सिंगल एमजे, खेलना ही सिंगल है। है, मारो। अबे अरे रुक पूरी गया, खाली कर सही दी है। क्या उसको? बहुत सही, हाँ दीपक कलाल कला। तो आ चुके हैं क्या एकदम न्यू बोले, तीन एपिसोड के बंदे साथ, और फिनिश इस बार स्क्वाड। हम उतरे सेवन नहीं, क्योंकि भैया कैंपिंग हमारा परम धर्म है, इसलिए हम कैंपिंग के राह पे चल रहे हैं। अबे यहीं उतर के हम भी यहाँ कहाँ उतर जाते हैं, हम देखो कैसे मारेंगे अब इन्हें। अब हमारी किस्मत हर बार की तरह बेहद ही बेकार होती है, उतर रहे? इसलिए अरे भैया यहाँ पे पीछे हमें उतरे वो रहा, सिर्फ शॉटगन यार वॉटगन पीछे मिलती है, और उतरे। भैया अरे एक अरे M16 मिल जाती है। ये दुकान में आओ, और भैया दुकान फिर में क्या चेंज है, हम जरा कराएंगे। यहाँ पे टीपी पे लेके फिर थोड़ा ढूंढते उड़ते हैं, यहाँ पे हमको मिलती है एक थॉमसन, जिसको हमें बिल्कुल चलाना नहीं आता, और M16। और अब इनको एक बंदा यहाँ से मार रहा होता है, देखो देखो बंदा देखो। कहाँ है। अब वो बंदा काली को नॉक करता है, बाकी मैं मारने अबे की वो कोशिश वही करता हूँ, पर रुको, एक बुलेट कनेक्ट नहीं होती, और इधर में इधर बोर आ जाता है। मारो अब भैया बोर देखे और हम मारे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रे इनको। पर इतनी देर में पीछे से बंदा हमको डैमेज देता है काफी, अरे इसको और मारता इधर में क्यों एक नहीं और बंदा सामने सेंटी दिख पे? जाता है, जिसे हम उसे भी मार चल देते भी हैं। जल्दी आओ, और देखो वो अब हमको बिजी है पीछे अभी। डैमेज कराता है रुक रुक इसका, ना छत तो पे, बनता जल्दी ही है। जल्दी तो जल्दी भैया जल्दी, देखो कैसे तिलाएंगे इसको, और ये मारी वो इसने छत वाले को जंप, मारो। और ये अरे इसने अपने फूट इसको गया। हवा में ही पेल दिया अरे है। बहुत बहुत सही बहुत बड़ा सही बहुत सही। अरे वो पीछे बहुत वाला बड़ा। देखा। और फिर यहाँ अरे जो बोट बोट है, वोट नॉक बोट कर रहे है, थे बिला, भागो। उनको किल कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे उसको बोट वोट किल विल करके हम यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे होता आते तो भैया ये एक बंदा काली एक बंदे को मिनी से टरका देता है, आया और मैं एक भी। बोट यहाँ से भग रहा होता है। ये बोट था या बंदा था बंदा उसको लेके मुझे आया पता है, था समझ नहीं पड़ा। बाकी हम एक नीचे उधर है। पेश करके छोड़ा इसको, और फिर भैया रिलोड विलोड लगा के मैं इधर की साइड आता हूँ, तो यहाँ पे भैया गलत सीन हो जाता है। अब मेरे पास हेल्थ इतनी थी ना ही, वेस्ट ये वेस्ट बोट को था। मार देगा। अब मैं यहाँ इधर की साइड आता हूँ, तो यहाँ भैया मुझे आते हैं एक इधर फुटप्रिंट, बच गया। अरे वो बहुत और तगड़ी दिख चिल्ला जाता रहा है था। बंदा। अब मैं भैया जोर जोर चिल्ला लग गया, तो भैया आ जाओ बचा लो मुझे। आ रहा हूँ तेरे पीछे। देखो ये बोलने लग गया, तेरा आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ तेरे पीछे ही हूँ। फिर तो भैया ये मेरे नोक पास किक हेल्थ वेल देना कुछ तो थी नहीं, भैया मुझे बैंडेज मिल जाते, तो भैया मैं यहाँ पे बोलता हूँ वहां कि भैया पे। मैं हील वील कर लेते, फिर एक साथ जाएंगे, मैं मरेंगे तो एक साथ। पर नेड इनको कर मरने की दूँ। ज़्यादा जल्दी थी आकाश को, तो अरे भैया ये घुस गया, और यहाँ से अब हमारा पूरा गेम टू वर्सेस स्क्वाड पे वही चलेगा, लेटा था अभी क्योंकि हमने स्क्वाड ऑटो आउट पे। मैचिंग तो चले पहले ही बंद कर रखी थी, क्योंकि भैया एक साथ रेंडम एक बंदे दो आजकल दिन हमारे चल, साथ में नहीं बाते, क्योंकि दे वो पास भैया घूमता हॉटस्टॉप ना फंसे थे रही। उन्हें, और हमारी थाले टियां टाइट है। अब यहाँ पे मैं नेट करता हूँ, नेट कर। अरे और वो बंदा भागी से आता, तो भैया मेरे को डर डर लग जाता उसको देख के, तो मैं नेट किधर भी फेंक देता हूँ। और भैया फिर हम इस पर थोड़ा पुछ पुछ करने के थोड़ा वो करते, फिर मैं इधर वेस्ट पे ढूंढता हूँ, तो इधर भैया ये एक ब्लू बोट आ बोट के जाता है। पास में था। अब ये भी बोट था या बंदा था कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बोट ही होगा, फिर इसे मार देते हैं, क्योंकि वहाँ डिस्टर्ब कर रहा था, फुटप्रिंट दे रहा था इधर उधर से, तो पूरा माहौल बिगड़ रहा था हमारा। अब वो बंदा इतने में इसी का फायदा उठा के भगने की कोशिश करता, अब रुक देखो कितने लगाएंगे उसको। फिर लूं। यहाँ पे काफी डैमेज हो जाता है, क्योंकि इसे तीन अच्छा बॉडी शॉट कनेक्ट हो जाते हैं, जिसमें से मतलब पांच पांच बुलेट कनेक्ट होती है, मतलब काफी लो हो जाता है। ओपन ओपन और भैया यहाँ से भगने की कोशिश करता है, और इसको पड़ जाती है बॉडियाँ यहाँ पे, वॉल के और पीछे इसके क्या। साथ निपटा देते हैं हम यहाँ पे जाके, और फिर इसको हम छोड़ देते हैं तड़पने के लिए, कि भैया तड़प पे जरा, इसने हमारे बंदे को मारा है तो इसको मौत इतनी आसानी से नसीब नहीं होगी, इसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो भैया इस पे ऑल वॉल पे हम थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं, पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा था, सामान रख के ड्रॉप पे ड्रॉप कर रहा था, इस उम्मीद में कि मुझे छोड़ देंगे, तो हमने तो छोड़ दिया था, भैया तेरे बंदे को बुला ले हमको मार दे और भैया रिवाइव होके चले जाओ। तो भैया इसका बंदा तो इतनी लेट आया, इतनी लेट आया कि भैया बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, जिसकी जब तक कि धुआं छूट चुका था। अब मैं यहाँ पे आके टीपी पे लग जाता, क्योंकि सामने से गन फिर फायर हुआ वो था बंदा इसके एक टीममेट का, तो भैया यहाँ पे वो वो जो बंदा मारा दिख वो जाता है आया हमें, देखो इधर की साइड आ जाता है। एंड अब वो यहाँ आके देखो क्या चालाकी करता है, उसने हमको देखा नहीं था, वो मैं यहाँ पे डीआरबीएम आके कितने बोट फायर बुलाने कर देने लग जाता है, देखो कैसे मारेंगे इसे। अब का एक तो टाइम पे बोट तो मुझे भी लग गया कि भैया बोट वोट होगा, पर किस्मत अच्छी थी कि भैया अपन ने टटका दिया था, फायर और फिर में एक बोट वोट भाई, पीछे की तब साइड आ गलत जाता थोड़ी है, निकले आपने, उसे मैं बिना तब बताए गलत भैया थोड़ी। पहले और एक वेरन से मेरे सिक्सेस बैठ जाता है, और भैया अपने से चल आयरन गई साइड आ जा, का रिकॉल कंट्रोल नहीं होता, सिक्सेस का कहाँ दे कनेक्ट दिया करेंगे। बोर्ड, दे तो दिया। भैया इसी के चलते हम भग भग के जाते कि भैया काली को पता ना चल जाए, और इसी के चक्कर में हम यहाँ पे घुस के इसको मार देते हैं। वो बंदे ही क्या, बोट है। अब यहाँ पे इनको लूट वूट के निकलने की तैयारी में होते हैं कि इतने भैया भग्गे भग्गे, और तो काली बताते हैं यहाँ भग्गे, और इतनी यहाँ देर में भग्गी है, सामने देखते गाड़ी आ क्या काम जाती है। है।
अब मैं सोचता हूँ कि फायर करूँ ही या ना करूँ, क्योंकि इतनी दूर का स्प्रे अपने बस का नहीं। फिर मैं आखिर में सोचता हूँ कि टेप टेप पे तो मार ही सकते हैं, टेप टेप पे मारते इतनी देर में इसकी गाड़ी में से धुआं निकल जाता है। अब मेरे को ये अफसोस हो रहा था कि भैया थोड़ा स्प्रे दे देता तो कभी बाई चांस गाड़ी फुट जाती और हमें किल मिल जाता। अब भैया वहाँ से हम बग भुगा के बच बुचा के जैसे कैसे गाड़ी वाड़ी लेके हम यहाँ आ जाते हैं स्कूल के साइड में। अब यहाँ पे एक बोर्ड दिखता देखो कैसे मारते से, जिसे भी तड़का देते हैं अच्छे से। फिर यहाँ क्योंकि वहाँ पे हमारे पास लूट वूट कई ज़्यादा खास ही थी नहीं, हीलिंग विलिंग नहीं, तो यहाँ पर रुकना पड़ा हमें। और फिर यहाँ से निकल जाते हैं हम, यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक फ्लेयर चली हुई होती है। अब यहाँ पे हमें दिखता है एक बंदा है, बाकी हमें डाउट रहता है कि एक से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एक बंदा रहता है वो ड्रॉप आजकल नहीं चलाता है, आजकल बहुत शातिर हो गए अगर उन्हें रैंक पुश करनी है तो। वैसे तो ये आ ही नहीं रहा था काफ़ी देर तक नहीं आ रहा था ये कि या बाहर निकलूंगा तो मार देंगे, बाहर निकलूंगा मार देंगे, और हम उससे के फिराक में थे निकलने में निकलेगा तब मारेंगे, पर वो निकल नहीं रहा था। सारे होते तो लूटने के लिए बच्चे। अब इतनी देर में यहाँ पे आ जाती है भैया एक बग्गी, तो मैं तो भैया पहले फुर्सत में लेट जाता हूँ कि भैया किल विल हो गए अपने साथ साथ, सुबह गेम प्ले गेम प्ले क्या बनाएंगे इसके चक्कर में यहाँ पे आराम से पूरा गेम प्ले करके ट्राई करने की कोशिश करता। अब ये भैया बग्गी वाले से पूरी पेरल खाली कर देता बच जाता और भगने की तरफ बहुत सही था। अब वो बंदे को भैया बेरे वाले पूरी खाली कर चुका था और भैया फिर M4 से किला देते हैं और फिर इतने में ये बंदा ड्रॉप लेने आ जाता है। आखिर ड्रॉप की लालच से भूल पड़ जाती है। अब देखो कैसे मारते से अकेला ये बेर। हां दे 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 अब भैया ये बंदा निकल जाता है नॉक काला एक और पीछे, और इतने में काली बताता है कि भैया पीछे की साइड एक और बंदा है। हाँ। अब ये बंदा हमें इतनी देर से टिलाता है अब भैया कंफर्म अभी भी नहीं था क्योंकि भैया पहले ही बहुत कैंप कर करके निकलने के बाद एक बंदा निकला, दूसरा बंदा बहुत मुश्किल पे निकला, तो भैया एक बंदा और होगा तो भैया अपने लाने लग जाएंगे। इसके लिए भैया अपन यहाँ पे रुक जाते और यहाँ पे आके फिर हम डैमेज करते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा ही गलती कर देते हैं कि उससे थोड़ा और आगे आने देना चाहिए था हमें, पर हम नहीं कर देते हैं डैमेज में गाड़ी वाड़ी फोड़ के यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे आते तो यहाँ काफी नेचर हो रहा था, फायरिंग वायरिंग हो रही काफी देर से। मैं काली बोलता हूँ भैया अपने घर के अंदर अपना कुछ होगा नहीं अपने से, पर बाहर ही निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे आते तो भैया यहाँ एक बंदे को मारता हूँ मैं, दिख जाता है देखता तो भैया पूरा स्क्वाड पर काली भगा ले यहाँ से, ये लोग अपने को बजा देंगे। अब बच्चे आ रहे हैं तो फिर हम वहाँ से भग भगा के यहाँ पे आ जाते शेक पे और फिर यहाँ से इनको डैमेज देने की कोशिश करते हम। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब यहाँ पे मुझे बिल्ली वाला लेटा हुआ दिख जाता है और बाकी बंदे इधर हिल रहे होते, तो मैं बिल्ली वालों में सिंगल टेप करके मतलब टेप पे टेप टेप करके मारने की कोशिश करता हूँ और आखिर में भरी देता हूँ इसको भरने की कोशिश करता है। तो मैंने बोला मारना ही पड़ेगा, बस इधर में काली हमारे नॉक हो जाते हैं। अब काली भैया नॉक हुए तो इनको रिवाइव देना तो बनता है, इसलिए इनको रिवाइव देने लग जाते हैं हम। फिर रिवाइव देख के यहाँ थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंपिंग का सीन आ जाता है। अब यहाँ पे हम गोल गोल घूम के उनके पास जाने की कोशिश करते हैं नीचे की साइड से, क्योंकि वो उधर से उनका ध्यान उधर की साइड था और क्योंकि वो चार बंदे अगर आगे पूरी ओपन जगह थी हम डायरेक्ट रश नहीं कर सकते थे, इसलिए भैया यहाँ से घूम घूम आगे बज बुझाते जोन से चिपकते बज बुझा के यहाँ तक आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम आते तो इतनी देर में वो बंदे नीचे की साइड पुश कर देते हैं, अब वो नीचे की साइड पुश कर देते तो हमारा काफ़ी फायदा हो जाता है, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे ही पहुँचता हूँ वैसे यहाँ पे नेट वेड होके मैं पूरा एक स्क्वाड डेड हो जाता है और फिर बचते हैं दो टीम दो बंदे, वो दो बंदे हम टोटल चार बंदे अलाइव। और भैया हम थोड़ा फिर होल्ड होल्ड करते हैं कि भैया इनको पता नहीं अपन कहाँ है, लेकिन अपने को पता ये कहाँ है, तो हम सोचते हैं कि भैया यहाँ ओपन ओपन कोई आता है तो देते हैं अपन। और इतनी देर में एक बंदा लूट की लालच में यहाँ से आता है जिसको हम अच्छे से भर देते हैं। अब यहाँ पे मेरा 6x जो था पूरा फुल 6x पे था, अब इसको वापस 3x पे मैं करता हूँ क्योंकि भैया इतना खतरनाक रिकॉइल अपने कंट्रोल होता नहीं है पहली बात तो। अब भैया इसका दूसरा बंदा जो होता है वो जो बड़ा घर होता है इसे बानोस बोलते हैं जो भी बोलते हैं बड़ा वाला घर अपनी भाषा में बड़ा वाला घर, तो भैया उसको मैं ये बताता हूँ काली को कि ये वाली विंडो से वो पिक लेगा। देखो यहाँ पे मार्क वार्क कर देता हूँ और भैया यहाँ से फिर वो दूसरे डैमेज देने की कोशिश करते हैं देखो कैसे वो वाला बच्चा। बाकी मेरी तो एक बुलेट कनेक्ट होती है काली की कनेक्ट हो जाती है, तो भैया मैं काली बोलता हूँ काली मेरे को तो एडीएस देना मैं जाता हूँ पुश करने, क्योंकि भैया जोन उधर की साइड होने वाला था क्योंकि हमारी साइड तो
ज्यादा कंपाउंड में था, अगर कंपाउंड में हो जाता फिर बाद में अपने को ओपन में आने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि अभी वो डैमेज वेमेज नहीं करेगा, इसके लिए हम पुश कर देते। और यहाँ पे वो नोक वाले बंदे को मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे जरा मैं नेट वेट डालने की ट्राई करता हूँ, भैया किस्मत खुल जाए, नेट वेट लग जाए तो भैया किल विल मिल जाएगा, मस्त मजे आ जाएंगे। अब वो बंदे की गन मुझे यहाँ से दिख जाती है। अब यहाँ पे मुझे गलती कर देता हूँ कि भैया नेट को कुकी नहीं करता हूँ, डायरेक्ट फेंक देता हूँ, क्योंकि भैया अगर उसने भी फेंक देता तो मेरा तो वहीं पर जंबल हो जाता, इसलिए भैया मैं इधर उधर आ जाता हूँ। कोई नहीं। मतलब जब अब तक वो बंदा हिल विल हो चुका था तो मैं एक स्मोक कर देता हूँ उनकी खिड़कियों पे कि भैया काली आने के लिए रास्ता हो जाएगा, उसको एंगल ब्लॉक हो जाएगा। और वो बंदा वहाँ कोने पे आके मुझे डैमेज देने की कोशिश करता है, पर क्या करे, काफी अच्छी थी, मतलब काफी अच्छी थी कि भैया उसने गोली नहीं लगी। अब भैया इधर आ जाते हैं, अरे भैया हमको गाली वाली दे रहे थे कि भैया इसमें स्मोक कर दी इसने, तो भैया हमारा आ तो जा तू, फिर ये आ जाता है, फिर हम यहाँ पे थोड़ा लूट वूट कर लेते अच्छे से कि भैया पूरा बूस्ट वूस्ट ले लो, तो वेस्ट वेस्ट अच्छा फ्रेस वेस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम पूरा बूस्ट लगा के पुश करने की तैयारी में, भैया जोन हम किसी पे भी नहीं था, जो घर के बाहर की साइड बन गया था। तो अब हमने सोचते कि भैया अपन दो हैं, वो एक है तो इस पे घुस के मारना पड़ेगा, बाकी उसके पास एडवांटेज भी टीपी पे का, तो इसलिए हम थोड़ा फुल फुल बूस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मिशन दे देता है हमें आकाश के लिए 17 मिनट सेकंड के अंदर। अब देखो कैसे मारता है इसे, और इसी के साथ यहाँ पे हमारा बहुत ही शानदार चिकन डिनर हो जाता है हमारा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और भैया शेयर करना तो बनता ही है।